दोस्तों ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, इस बोर्ड में मैंने पीसीएच बदले हैं एक नहीं दो दो बार, और इसमें अभी डिस्प्ले नहीं है। तो इस केस का अगर हिस्ट्री जाने तो ऐसा है कि कस्टमर को रैम अपग्रेड करना था खुद से, ठीक है। तो उन्होंने शायद मतलब रैम तो खोल के लगाया, पर उसके अंदर एक हमारे पास सील्ड होता है जो आप देखोगे यहाँ पर, रैम को लगाने के लिए शायद ये फोकस नहीं रहा है। ये सील्ड ना 18 वोल्ट से जो हमारा जो मेन पावर प्लान है, जो कि बैटरी का सोर्स हो या फिर मक्स्ट वाला सोर्स मिलता है हमें, तो उससे कनेक्ट हो गया, जिसके कारण से ये पीसीएस शॉर्ट हुआ, 3-5 के आईसी खराब हुए, लाइन आईसी खराब, बहुत सारा चीज इसमें खराब हो गया है। तो ये प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। और इसका अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब समझ लो कि ये 1.2 वाला लाइन भी शॉर्ट था, इसमें 3.3 वाला भी, 1.0 भी, 1.8, सारे सारे लाइन इसमें शॉर्ट हो गए थे। तो इस बोर्ड में मैंने एक बार पीसीएस बदला, नहीं चला है, ऑन नहीं हुआ। दोबारा पीसीएस लगाया, ऑन हो गया, लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं है। अब डिस्प्ले नहीं है तो इसमें क्या है, अगर मैंने सारे रिक्वायरमेंट इसके चेक किए हैं, लगभग पीएलटी रीसेट के बाद वाले जितने भी चीज़ें हैं, S0 में जाने वाली चीज़ें हैं, वो हर एक इंजीनियर को मालूम होता है क्या क्या चेक करना होता है, तो वो मेरे को सही मिल रहा है। तो अब मुझे मैंने इसमें डिसाइड किया कि सीपीयू चेंज करना है, क्योंकि इसको रेडी तो करना है, बोर्ड मार्केट में है नहीं अवेलेबल, और इसको करके देना पड़ेगा। अगर नहीं करता हूँ तो मेरा ये पीसीएस जो है ना वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चिपसेट लगा है, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि चिपसेट निकालने के बाद काम नहीं कर रहा है, उसका रीजन भी है, मैं आने वाला वीडियो में कुछ बताऊंगा अलग सेपरेट से बना के। तो पहले इसमें इसको मैं निकालता हूँ सीपीयू को, और लगाएंगे बेसिकली ये i5 सीपीयू है, i5 9th जनरेशन है। आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो SR F6X है ये, यानी कि i5 9th जनरेशन होगा ये, या फिर क्या है ये, एक बार क्लियर चेक कर लेते हैं, SR F6X। तो एक बार चलो पीसी स्क्रीन पर देख लेते हैं। SR F6X मैंने सर्च तो किए थे बट याद नहीं आ रहा है। i5 9th जनरेशन है, और लकीली मेरे पास सेम टू सेम प्रोसेसर है, यानी कि सेम प्रोसेसर मेरे पास है, मैंने रिवॉल्व करके भी रखे हुए हैं। तो सिंपल इसको मुझे निकालने हैं और लगाने हैं फिलहाल के लिए। अगर मैं दिखाऊं तो इसके थोड़ा, इसको निकालने से पहले इसका कंडीशन भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये रहा हमारा डीसी करंट देखने के लिए। अब इसको देखोगे आप तो यहाँ पे मैं रैम लगा लेता हूँ, क्योंकि रैम नहीं लगा है, इनका रैम भी खराब है अनलकीली, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये ऐसा आ गया, अब ये ऐसे ही रहेगा, इतना करंट कंजप्शन होते रहेगा और ये एलईडी ब्लिंक करते रहेगा, और कुछ होगा नहीं, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसको ठीक करेंगे हम, पहले इसको मैं इस चिप को उतारता हूँ बोर्ड से, देखते हैं कि क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। और अगर मेरा प्रोसेसर सही होगा, यानी कि मेरे पास जो सीपीयू है वो अगर सही होता है तो ज़रूर ठीक हो जाएगा, अगर वो सही नहीं है तो फिर से वही बात है कि इसमें फिर सीपीयू निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। और अनलकीली देखोगे तो ये बोर्ड का क्वालिटी इतना ख़राब है, यानी कि इसको चिप निकालते वक्त कुछ फुटप्रिंट डैमेज हो जाते हैं, ऐसा वगैरह वगैरह इशू होता है इसको, और ब्लैक पेस्टर्ड ये ग्लू है यहाँ पर। तो एक बार क्लिक, चलो VGA मशीन से मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, और देखते हैं कि क्या इस पे हमें सक्सेस मिलेगा। तो ये मेरा मशीन है, जैसे कि एज यूजुअल मैं यूज़ करता हूँ इसको, आप लोग देखते रहते हो सब टाइम, मैं दिखाता हूँ यही मशीन को, हालांकि इसके ऊपर का स्ट्रक्चर आप तो नहीं देख पाते होंगे। और किसी का कॉल आ रहा है, तो मैं पहले अलाइन करता हूँ, कॉल बाद में उठाएंगे।
अभी कॉल उठाने के लिए फुर्सत नहीं है। ये रहा नोजल, इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइट होल्ड मेरे को इसको रखना पड़ेगा, वरना ये मैं सीपीयू निकाल नहीं पाऊंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें ग्लू है ब्लैक वाला, इसको होल्ड टाइट रखना पड़ेगा। चलो आप प्रोफाइल चालू कर देते हैं इसके। प्रोफाइल चालू है, वेट करते हैं इसको टेम्परेचर आने के लिए, पीक टेम्परेचर। वेट करते हैं इसके पीक टेम्परेचर के लिए। चलो थोड़ा संभाल के निकालना होगा इसको, वरना ये हो जाएगा डैमेज और काम बढ़ जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत तो डैमेज होता ही होता है, इसका कोई उपाय नहीं है रोकने का, क्योंकि ग्लू लगा हुआ है नीचे से। मेल्टिंग पॉइंट तो आ गया है, बट ग्लू के कारण से थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा अपने को। सही है, चलो निकल तो गया। तो देखते हैं कि इसके फुटप्रिंट कुछ मतलब किस तरह से बचे हैं या कुछ डैमेज हो गए। इसके लिए बोर्ड को कूल होना होने के लिए वेट करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ यहाँ पर, जब ये कूल हो जाएगा तब इसको वापस लेके आता हूँ। ये मशीन कूल डाउन हो गया है, अब इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इस पे काम करेंगे, इसको कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन तो करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हो चुका है, तो क्लीन करेंगे, बस क्लीन करेंगे और इसको ठीक करेंगे। ये रहा हमारा प्रोसेसर का लोकेशन जहाँ पे ग्लू लगा हुआ है। फुटप्रिंट तो निकले हैं बट वो नॉट कनेक्टेड वाला हूँ, ऐसा मेरे को उम्मीद है। अगर नहीं भी होगा तो अब क्या करेंगे, इसको करना पड़ेगा हमको रिपेयर। पहले ग्लू हटाता हूँ, फिर देखते हैं कि फुटप्रिंट रिपेयर करना पड़ेगा क्या।
चलो सही है, बच गए हैं यहाँ पे। रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, टूटा नहीं है जो मतलब काम के हैं वो टूटा नहीं है, जनरली टूटता नहीं है वो, नॉट कनेक्टेड वाला पिन जो है वो टूट जाता है। ओके ज़्यादा शार्प टूल नहीं लिया है मैंने जान के, क्योंकि ये प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। चलो ये हो गया, मैंने क्लीन कर दिया इसको। अब उसके बाद हम करेंगे को शोल्डर को निकालेंगे यहाँ से हम। बहुत ही हल्का क्वालिटी का पीसीबी है ये, मतलब इसमें दम ही नहीं है। ऐसा बनाना इन्होंने बनाया इन्होंने कि एक बार बस खराब हो जाए, यानी कि जल्दी खराब हो जाए और उसके बाद दया ले लो भाई। इसलिए थोड़ा सा डर के काम करना होता है, डर के मतलब केयरफुली, खराब ना हो जाए। ओके यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा अपने को। जो मैंने ग्लू क्लीन किए हैं वहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जगह है उठ के है, यानी कि ब्लैक पेस्ट जो अभी भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इसको हटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि हम लगाएंगे सीपीयू।
वापस एक बार यहाँ पे शोल्डर से एक बार क्लीन कर लेता हूँ, ताकि ये मतलब फाइनली हमारे को ये मिल जाए कि इसमें सीपीयू लगने के लिए तैयार है। एक बार के लिए शोल्डर डालता हूँ थोड़ा सा, ये जो जगह है ना इसमें दिख रहा है जैसे कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो जब ये इस पर अप्लाई करेंगे हम बीज, ये मतलब वॉल लगाएंगे ना, तो उस समय ये लगता नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से करना होता है ये। मैं जब शोल्डर यूज़ कर रहा हूँ वो है 138 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। चलो अब लगता है कि ये उसका काम हो गया, अब इसको जस्ट क्लीन करेंगे हम वापस डीजल विक से, और हो जाएगा हमारा ये रेडी सीपीयू लगने के लिए। हो गया, इसको साफ कर लेता हूं मैं। एक बार इंस्पेक्ट करेंगे इसको कि क्या हमने कुछ गलती किया है, तोड़ तार दिया है। हालांकि ये जो मास्क कट गया है ये थोड़ा सा रिस्क है, बट चल जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पे है, मैनेजेबल है। अगर मास्किंग कर दे तो अच्छा है, बट चलेगा, मैनेज कर सकते हैं इसको हम। इसमें फ्लक्स अप्लाई करता हूँ मैं, ये समझ लो फ्लक्स सप्लाई हो गया। अब हम इसके लिए जुगाड़ करेंगे प्रोसेसर, जुगाड़ नहीं करना है, ऑलरेडी रेडी है, मैंने रिवॉल्व करके रखे हुए हैं यहाँ पर, तो सिर्फ इसको लगाना है यहाँ पर। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि क्या ये मतलब साफ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो बिल्कुल है, कर लेंगे, क्योंकि जब मैंने इसको रखा है ना स्टोरेज स्टोर करके, तब इसमें कुछ आ गया है डस्ट वगैरह जो कि सही नहीं है। अगर इसी तरह से लगा दिया जाए तो कोई बॉल प्रॉपर नहीं बैठेगा। कुछ कुछ अभी भी है डस्ट,
हाथ से हटाएंगे ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि ये नहीं हटा लिक्विड क्लीनिंग से। चलो चलो लग सकता है ये, तो मैंने तो ऑलरेडी इसको फ्लक्स लगा लिया है, इसको अलाइन कर लेता हूँ इसी पर पिन नंबर 1 के हिसाब से, या फिर बीजी मशीन पे भी अलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बड़ा चीप है, मैं एक बार करके देख लेता हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, इसके लेके चलता हूँ मैं बीजी मशीन पर और लगाते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है ही नहीं। तो ये रहा मेरा वीजीएम मशीन, चलो लेके चलते हैं यहाँ पर। तो ये तो ऑलरेडी अलाइन है क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने इसी पे ही काम किया है, तो सिंपल इसको जस्ट इसको अलाइन करके जस्ट लगा लेंगे हम। क्यू को बोर्ड तो अलाइन है ही है, ये तो प्रॉब्लम है इस मशीन में, इसका मैग्नेट बहुत ही कम है जिस कारण से इसकी नोजल गिर जाता है, मैंने पहले भी बोला है। तो पिन नंबर 1 हमें कलर करना था लाइन, जो कि मैंने गलत कर दिया था। ये है पिन नंबर 1 और ए, दो चीज चलते हैं इसमें, अल्फाबेट भी रहते हैं प्लस नंबर भी रहता है। चलो ये हो गया लाइन, अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ प्रोफाइल, तो ये चालू कर दिया मैंने प्रोफाइल इसके। वेट करना है इसको लगने के लिए, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है क्योंकि मशीन कब मतलब नॉर्मल भी हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर आउट हो जाता है, कभी कुछ ध्यान देते रहना चाहिए सेंसर पे, और अलग से टेम्परेचर लॉगर भी होना चाहिए ताकि मालूम चले कि ये क्या आउट कर रहा है। मेरे पास भी नहीं है अभी, मैंने सोचा है लेने के लिए।
देखते हैं कब लेते हैं। प्लेसमेंट तो हो गया लगता है, पर प्रोफाइल कंप्लीट होने देते हैं इसका। ये हो गया प्रोफाइल कंप्लीट, और वेट करेंगे इसके कूल होने के लिए। तब मैं रुकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। चलो इसको मैं यहाँ से लेता हूँ मशीन से, क्योंकि ये कूल हुआ है, बट इसमें और भी टाइम लगेगा। उससे पहले हम दूसरे जगह पे कूल कर सकते हैं इसको। ऑलरेडी टेम्परेचर डाउन हो गया है, बट पूरा नॉर्मलाइज करने के लिए इसको हम यूज़ कर लेंगे। हमारे पास ये है ना, ये चालू करो इसको, थोड़ा सा थर्मल इंस्पेक्शन भी करेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर कितने देर में आता है। ये है फिलहाल 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या क्या होता है मालूम नहीं होगा। तो करेंगे एटलीस्ट इसको 33 तक लाएंगे रूम टेम्परेचर। कम है रूम का टेम्परेचर, लेकिन इतना तक तो आना अभी मुश्किल है। इमीडिएटली जब हम एक मुताबिक सेफ टेम्परेचर ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये चलो कूल हो गया, ये इसको थोड़ा सा मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे कि क्या इसमें ये पावर देने लायक बन गया, कि कुछ गड़बड़ी है। तो इम्पीडेंस वगैरह देख लेते हैं हम। 20, ये 400 के आसपास ठीक है। 1.8, 1.8 इधर जीपीयू का तो मैनेजेबल है। अब मेरा सीपीयू जो मैं इसमें लगाया हूँ वो क्या सही है या नहीं है, डिपेंड करता है वहाँ पर कि ये केस रेडी होगा या नहीं होगा। चलते हैं देखते हैं कि लक क्या कहता है। 1.8 इसको लगा लो। रैम और बायस तो पहले से मैंने राइट कर रखे हैं इसको, तो ये मैंने किया कनेक्ट। एक बार VCC IO आई थिंक चेक कर लेना चाहिए मुझे। VCC IO का सप्लाई 73, ये तो नहीं है, ये होगा 18, 18, चलो ठीक है कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये किया कनेक्ट,
ये गया 600, दोबारा चालू होगा, नो, लग तो रहा है बूटिंग हुआ बोल के, हमें DSO बताएगा क्या ये बूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चल भाई DSO काम लग जा, वाह बूट हो रहा है ये। लेकिन अब क्या है, मुझे हेडसिंक कनेक्ट करने पड़ेंगे इसके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बूट तो हो रहा है चलो बूट हो रहा है ये। वाह डिस्प्ले भी आ गया, तो रेफरेंस डिस्प्ले मिल गया यहाँ पर, मजा ही आ गया। लेकिन मजा लाने के लिए सजा भी बहुत मिला है, दो दो बार मैंने पीसेज बदले हैं, और दो बार पीसेज बदले हैं, क्रॉस वेरीफाई किया है, घंटों तक इसको इंस्पेक्ट किया है, तब जाके मैं इसको लगा पाया हूँ। अब होता क्या है बहुत बार कि बहुत सारे दोस्त कंप्लेन करते हैं कि इसे बताते ही नहीं हो क्या, अरे बहुत सारा चीज़ बताया एक सीपीयू या फिर पीसीएस को डिसाइड करने के लिए कि वो मतलब चेंज करेंगे तो चलेगा कि नहीं। और आज के डेट में बहुत सारे लोग पीसीएस लगा रहे हैं और उनको फेलियर मतलब रिजल्ट फेल मिल रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हो पाया प्रॉपरली, और प्रॉपर शायद तक डायग्नोस नहीं करने से ही फेल उनको मतलब रिजल्ट फेल आ रहा है उनका। और ये बोर्ड जो भेजा दिल्ली से, और मतलब उनको एक उम्मीद था कि ये बन जाएगा बोल के, तो अच्छा ये तो चालू तो हो गया, बट इसके हम लगा के देख लेंगे डिस्प्ले वगैरह। पर उससे पहले मैं इसको यहाँ पे दिखा लेता हूँ, क्या कहते हैं कि ये दिखाता हूँ कह रहा हूँ अपना, एक बार के लिए चेक करेंगे इसका हम जो फ्लक्स है ना आसपास के, इसको क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता। ठीक है तो मैंने जो बोला था कि ये आसपास से जो फ्लक्स निकलते हैं ना हीट पर, इनको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। चलो ये हो गया, अब इसमें मैं इसके हीट सिंक वगैरह लगा के प्रॉपरली चेक करता हूँ कि क्या इसमें डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है, नहीं तो पता चले ये हमने बोर्ड तो ठीक कर दिया, अब उधर भी प्रॉब्लम है, अब ग्राफिक्स भी खराब मिल जाएगा, तो इसका क्या मतलब, कोई गारंटी नहीं है कि ग्राफिक्स भी सही होगा बोल के, बट है चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इशू। लेकिन किस्मत जब खराब रहता है ना तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ तो इसीलिए चेक करना जरूरी है इसके। अब इसमें रैम भी नया लगाना पड़ेगा क्योंकि रैम भी खराब हुआ है, रैम खराब हुआ, पीसीएस खराब हुआ, 3-5 वाले आईसी खराब हो गए, 1.2 1.2 1.8 ये सारे आईसी खराब थे इसमें। लगभग समझ लो कि मैंने बोर्ड में मैक्सिमम पार्ट रिप्लेस कर दिए हैं, लैन वाले खराब थे, ये रैम भी खराब है इनका जो पहले से है। अब इसके करने पड़ेंगे हमें स्ट्रेस टेस्ट, बैटरी हटा लेता हूँ यार। ये रहा OTC सेल, और ये रहा स्पीकर, स्पीकर ये तो कीबोर्ड है, ये ट्रैक पैड वगैरह के भी वायर जो कनेक्ट कर उसको लगा लेता हूँ, क्योंकि एक ही बार में अपने को कुछ विंडो अगर बूट हो तो मालूम पड़ जाए क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि
कुछ सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं धो लिया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लीकेज रहेगा। तो ये ट्विस्टेड पेयर है, यानी कि डिफरेंशियल पेयर है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड का इशू आ सकता है, या मे बी डिटेक्ट ही ना करें हार्ड डिस्क, तो उसके लिए और एक सरदर्द बढ़ जाएगा कि भाई अब इसमें हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। SSD भी लगा ही लेते हैं। ये PCH का हीट सिंक है, तो इसको भी लगा ही देता हूँ। फैन लग गया, इसमें स्क्रू लगेंगे एक आध, बीच वाला लगा लेता हूँ ताकि सेंटर में रहेगा तो ज़्यादा इजीली कनेक्ट रहेगा ये। बाकी के पार्ट हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये सही चलता है या नहीं चलता है। तो ये हो गया, अब ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा हाई करंट वाले, या तो चल जाएगा, बैटरी नहीं है तो चल जाएगा। ये बैटरी लगने के बाद ये ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, तो नॉर्मल वाले DC मशीन पे चलता नहीं है ये, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं थोड़ा सा हाई एम्पियर वाला मशीन। ये आ गया लेनोवा, सुकून आया दिल पे, नहीं तो दुख पुख लगा हुआ था कि भाई स्क्रीन तो नहीं गया, क्योंकि 3.3.3 में भी सप्लाई में इशू था, तो ये तो कनेक्ट रहता ही है स्क्रीन 3.3 से। फैन से नॉइस है, तो फैन इसका तो खुलेगा नहीं क्योंकि डबल कनेक्टेड है। ट्रैक पैड चल रहा है, साउंड क्या है, म्यूट कर रखा है इन्होंने कि डिटेक्ट नहीं कर रहा है, अब म्यूटेड है, ओ साउंड भी आ रहा है। तो इस तरह से ये तो ऑन तो हो गया, बट इसमें स्ट्रेस टेस्ट करने होंगे, यानी कि ये इस पे लोड डाल के देखना होगा कि ये कैसा चल रहा है, यानी कि मतलब कुछ 2-4 घंटा 5 घंटा एटलीस्ट 8 आवर्स तो चेक करना ही होगा। ऑन कंडीशन में रख के CPU पे लोड डालेंगे, GPU पे लोड डालेंगे, उसके बाद हम इस पे कुछ डिसाइड करेंगे कि नहीं ये सही चल रहा है। अभी तो ये जस्ट डिस्प्ले आ गया, बट ये परफॉर्मेंस देने वाला मशीन है। अब इसको अगर प्रॉपरली हम चेक नहीं करते हैं तो कस्टमर के पास जब जाएगा तो उनका ग्राफिक्स सही से नहीं चल रहा है, या फिर समझ लो कोई लोड नहीं ले रहा है, या फिर कहीं पे ट्रिप कर जा रहा है, ये सारे नाटक होते हैं मशीन्स में, गेमिंग मशीन्स में, क्योंकि ये कॉमन मशीन नहीं है जैसे कि जेनरिक वाले। तो जहाँ पे भी हाई परफॉर्मेंस का काम हो रहा है वहाँ पे सारा चीज़ ईच एंड एवरी पार्ट को हमें चेक करना होता है, जैसे कि कस्टमर चेक करते हैं, और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो कस्टमर के पास फॉल्ट निकल जाएगा और वो थम्स डाउन करके चले जाएंगे, और चार तो सुनना भी पड़ेगा आपने वो क्या ठीक किया कि नहीं चल रहा है ये प्रॉपर। तो एक छोटा सा केस था जो कि आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किए, मैंने इसका एक प्रीवियस वाले जो वीडियो है जो PCH वाला, वो भी मैं अपलोड करूंगा, जिससे मालूम चलेगा कि किस तरह से ये काम हुआ था इसमें। मिलते हैं दूसरे केस में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।
समझ रहा है, कॉज इसकी थी।